22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों के परिवार अब ठगों के निशाने पर आ गए। बीते 2 मई को पुलवामा में शहीद हुए कुलविंदर सिंह के माता पिता से 1,05,000 रुपए की ठगी के बाद सीआरपीएफ के अफसरों ने बाकी शहीदों के परिवारों के लिए अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि परिवार के लोग किसी भी तरह के लालच में ना आएं और सावधानी बरतें। सीआरपीएफ जालंधर डिवीजन के डीआईजी दर्शन लाल गोला ने इस ठगी की पुष्टि की है। कुलविंदर के माता पिता दर्शन सिंह और अमरजीत कौर ने बताया कि ठगी करने वाले व्यक्ति सीआरपीएफ जवान की वर्दी पहनकर आया था। ये ठग 2 मई को कुलविंदर के घर पहुंचा और कहा कि सरकार बतौर मुआवजा और 29,00,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहती है। कुलविंदर के माता पिता ने अकाउंट डिटेल्स दे दी, जिसके बाद उसने मुआवजे के 50,00,000 रुपए किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश की। हालांकि बैंक के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया और ठग सिर्फ 1,05,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सके। डीआईजी दर्शन लाल गोला ने शनिवार को कहा कि कुलविंदर के परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद हमने सभी शहीदों के परिवारों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। गोला के मुताबिक पंजाब से शहीद हुए 4 जवानों के परिवारों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। परिवार से कहा गया है कि किसी भी लालच में ना आए और अकाउंट डिटेल्स किसी भी अनजान आदमी के साथ शेयर ना करें। गोला ने बताया कि परिवारों की सहायता की जिम्मेदारी कुछ अफसरों को सौंपी गई है, जो इस मामले में परिवारों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हमने दिल्ली हेडक्वार्टर को भी इसके संबंध में सूचना दे दी है और जल्दी ही इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पंजाब प्रॉपर के एसएसपी के मुताबिक कुलविंदर के माता पिता से पैसे ठगने वाले व्यक्ति की तलाश जारी है। हमें सूचना मिली है कि वो सफेद रंग की इंडिका टैक्सी से आया था, जिसे उसने रोपर बस स्टैंड से ही किराया पर लिया था। कुलविंदर के पिता की बाइक भी रोपर में ही बरामद हुई है। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 45 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। इनमें से 40 सीआरपीएफ के जवान भी थे। एनएसआईटी निखारता है आपकी प्रतिभा को। एनएसआईटी, अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। एनएसआईटी, अम्हारा बेटा पटना।